गुड इवनिंग स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट हो गया है। फोर्थ क्लास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिए गए, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे छात्रावास अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर भर्ती प्री मेंस के लिए, साथ ही एडीओ, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, और साथ ही आने वाले हैं अमीन पटवारी, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग व्यापम की तैयारी करके हैं उनके लिए बेहतर क्लास है। भारत के संविधान से पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा आज, ठीक है। चलिए, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर दी जाती है। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किए गए। तो जो भारतीय संविधान है उसको कितने भाग में विभाजित किया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 भागों में, ठीक है। भारत का जो संविधान होता है उसको 25 भाग में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साथ ही जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली क्लासेस कराया जा रहा है, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास रहती है 5:00 की, छात्रों से अधीक्षक और सब इंस्पेक्टर भर्ती की क्लास रहती है 12:30 की, साथ ही 9:30 की क्लास रहती है एडीओ की, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, साथ ही अमीन पटवारी का होने वाला है, यानी कि व्यापम से सभी रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, सिलेबस के अनुसार कराएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न मैं आपको बता दिया हूँ, आंसर सी होगा, 25 क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो कौन सा है, भाग 20 में, ठीक है। भाग 20 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। जो लोग व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली क्लासेस कराया जा रहा है, और आज का क्लास है भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को प्रावधान किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज जितने भी भारत से संविधान से पूछे जाते हैं वो टॉपिक आपको कराऊंगा, ठीक है। तो चौथा प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है, तो कौन से में है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। भाग 21 में संविधान के अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांचवा, ठीक है, संविधान के किस भाग में 305 पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो कौन से आएगा, जल्दी बताइए, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। इसका आंसर ए होगा, जो कि संविधान के 305 पंचायतें के बारे में बोला गया ना, तो पंचायत भाग 9 में आएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, जो नगर पालिका है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, नगर पालिका से संबंधित है। इसके बाद सेवन क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। देखिए, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, व्यापम में अक्सर पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है, तो नोट करते रखिएगा, हाँ, कॉपी पेन साथ में रख लीजिएगा, जितने भी आपको बता रहा हूँ वो सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया, तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। आठवां प्रश्न है आपका, कि संविधान के भाग एक में किसका वर्णन है, तो संविधान के भाग एक आप सभी को पता है, संघ और उसका राज्य, आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है आपका, कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार, जो संविधान का मूल अधिकार है, कौन से भाग में आपको मिलता है, तो इसका उल्लेख कौन से संविधान के भाग में किया गया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, भाग 3 में संविधान के मूल अधिकार को उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 10th, यानी कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को विवरण, जो भारतीय नागरिक है उसका कर्तव्य का जो विवरण दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया या कौन से भाग में दिया गया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, भाग 4 के क में दिए गए, कौन से में, भाग 4 के क में दिया गया, जो कि मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग में मिलता है, ठीक है, नागरिकों के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है,
भारत के संविधान के भाग चार था में, यानी कि भाग चार में किसके बारे में बताया गया। तो भाग चार किसके बारे में बताया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक। अभी आपको मैं बताया कि भारत के संविधान से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का वीडियो। भाग वन, भाग टू और भाग थ्री डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिए गए, जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। वो वीडियो आपको नहीं देखा होगा तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल संविधान से एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की है। जो संघ कार्यपालिका व्याख्या है संविधान के कौन सा भाग में किया गया है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी भाग चार में किया गया है, ठीक है, भाग चार में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। जो नागरिक का जो है कौन से भाग में मिलता है, तो संविधान के कौन से भाग में मिलता है, जल्दी बताइए। इसका आंसर भी होगा भाग दो में, नागरिक से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई। जो भारत की संविधान व्यवस्था है तो कौन सी इंग्लैंड से ली गई है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए संसदीय प्रणाली, ठीक है, संसदीय प्रणाली से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के कौन सा भाग यानी कौन सा लक्षण आयरिश के संविधान से अनुप्रेरित है। तो जो आयरिश का संविधान है किससे लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा वाला, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। देखिए भारत की जो संविधान है उसका सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है, तो एकांकी स्रोत क्या है जल्दी बताइए। इसका आंसर, ठीक, इसका आंसर डी आ रहा है सभी का ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघ व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो कौन सी व्यवस्था समानता रखती है, कनाडा के संविधान से, ठीक है, कनाडा से लिया गया है। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। जो समवर्ती सूची होती है कौन सी अवधारणा से लिया गया है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा राज्य आएगा इसका, बिल्कुल बिल्कुल भी होगा ना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से संविधान के समवर्ती सूची से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जो संघ और राज्य होता है उनके शक्तियों का विभाजन, ठीक है, किसकी प्रेरणा पर आधारित है। जो किसकी प्रेरणा पर आधारित है, इसका आंसर बी होगा, कनाडा, ठीक है, किस पर आधारित है, कनाडा पर आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद आपका कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है, भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, तीसरा ना, रूस के संविधान से लिया गया है। कौन से संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका आठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा हमें किस संविधान से मिलती है। जो नीति निर्देशक तत्व जो प्रेरणा है हमें कौन से संविधान से मिला है, तो इसका आंसर डी होगा, आयरलैंड के संविधान से मिला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, जो भारतीय संविधान है उसके मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया, तो वो कौन से देश का अनुसरण किया गया है, तो इसका ऑप्शन ए कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए। इसका आंसर बी अमेरिका, ब्रिटेन नहीं होगा ना, ब्रिटेन नहीं होगा, अमेरिका होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेंथ, यानी कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, जो भारत की जो संसदीय प्रणाली है सरकार की कहाँ से ली गई है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। कौन सा आ जाएगा, ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अगर यह वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। डेली आपको भारत के संविधान से क्वेश्चन बताया जाएगा, जो कि व्यापम की तैयारी करने वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अगर व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही देखिए सीजीपीयून यानी कि सीजीपीयून पीएससी के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, चपरासी भर्ती जो कि उसका एग्जाम 25 सितंबर को है, वो तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है।